Okay, yesterday we have completed part first of exercise 3.4. Okay, जिसमें हम लोगों ने first question complete किया है. अभी part two में हम लोग second question solve करेंगे. Okay, so second question में first one है आपका, if we add one to the numerator and subtract one from the denominator, a fraction reduces to one. Okay, it becomes 1/2 if we only add one to the डिनोमिनेटर. व्हाट इज द फ्रैक्शन? ओके, अभी आपको पता है फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक तो न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर. ओके, सो हम लोग एज्यूम करेंगे लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई. सो हम लोग इस पे से क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन क्या है आपका, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई. ओके, और फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी वाई नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए कभी भी. ओके, तभी हम उसको फ्रैक्शन बोल सकते हैं एज पर द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन. ओके, अभी हम लोग यहाँ पे दो कंडीशन है, केस वन. ओके, नाउ केस वन में आपको क्या गिवन है, इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर. ओके, आपका न्यूमरेटर है एक्स, अगर मैं इसमें वन ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वन एंड सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से वन सब्सट्रैक्ट करना है. आपका डिनोमिनेटर है वाई, तो वाई माइनस वन. द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन. ओके, यानी ये फ्रैक्शन क्या आएगा, वन आएगा. ओके, सो अभी आपको इसको सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, क्योंकि ये वन अपॉन वन ले लो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको आसानी होगी. सो एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू फाइव माइनस वन. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में, सो एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू माइनस टू, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, सो केस टू, अभी केस टू हम लोग स्टडी करेंगे जिसमें से हम सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे. ओके, इट बिकम्स, यानी द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर. ओके, अभी न्यूमरेटर को वैसा ही रखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में वन ऐड करना है, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 2x विच इज इक्वल टू वाई प्लस वन. सो 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू वन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, अभी आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली कोई एक मेथड यूज करके ही सॉल्व करना है. अगर वैसा मेंशन हो क्वेश्चन में तो आपको वही मेथड यूज करना है. लाइक फॉर एग्जांपल, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा. बट इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन, सो आई कैन यूज एनी ऑफ द मेथड. सो आई विल यूज एलिमिनेशन मेथड. ओके, आई विल यूज एलिमिनेशन मेथड. सो एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू माइनस टू, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू वन. ओके, अभी वाई के कोएफिशिएंट दोनों जगह पे सेम है, ऑलरेडी सेम है, तो हमको कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं. ओके, सो यहाँ पे भी वन कोएफिशिएंट है और यहाँ पे भी वन कोएफिशिएंट है. और अभी यहाँ पे देखो केस क्या है, दोनों का साइन सेम है, और जब भी साइन सेम होता है तो हम लोग सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. सो माइनस माइनस माइनस. ओके, नाउ दिस इज माइनस वाई एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस वाई, सो माइनस वाई प्लस वाई गेट्स कैंसिल्ड. दिस इज प्लस एक्स माइनस टू एक्स इज माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस टू एंड माइनस वन इज माइनस थ्री. सो इस पे से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू थ्री. एक्स का वैल्यू आपको मिल गया इज इक्वल टू थ्री. नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन वन. ओके, इक्वेशन वन में रखने के बाद थ्री माइनस वाई विच इज इक्वल टू माइनस टू, दिस इज योर इक्वेशन वन. ओके, सो
माइनस वाई विच इज इक्वल टू माइनस फाइव, ये प्लस थ्री उधर जाने के बाद माइनस थ्री होगा, और माइनस टू और माइनस थ्री माइनस फाइव होगा, सो वाई इज इक्वल टू वॉट फाइव. इन दिस वे यू गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स ऑल्सो एंड वाई ऑल्सो. सो योर फ्रैक्शन इज वॉट एक्स अपॉन वाई, एक्स इज थ्री एंड वाई इज फाइव, सो योर फ्रैक्शन इज थ्री अपॉन फाइव. ओके, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन, सो वी विल स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? 5 years ago, नूरी was thrice as old as सोनू. ओके, सो पहले हम लोगों को नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज एज्यूम करना पड़ेगा. ओके, सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, और सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ सोनू विच इज इक्वल टू वाई ईयर्स. ओके, और हमको फर्स्ट केस में क्या गिवन है? केस वन. ओके, केस वन में क्या कंडीशन है हमको? फाइव ईयर्स एगो यानी 5 साल पहले की बात है. व्हाट दे आर सेइंग, नूरी इज 3 times ऑफ सोनू, ये यहाँ पे गिवन है. नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. ओके, सो व्हाट वी विल डू नाउ, अगर नूरी का आज का एज अगर x ईयर्स है, तो 5 years एगो इट विल बी x माइनस फाइव, और सोनू का अगर आज का एज अगर y ईयर्स है, तो 5 years एगो इट विल बिकम 5 माइनस फाइव. सो नूरी के जगह पे क्या आएगा? x माइनस फाइव, 3 विल रिमेन एज इट इज, और सोनू के जगह पे आएगा 5 माइनस फाइव. सो x माइनस फाइव विच इज इक्वल टू 3y-15. ओके, सो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस 3y विच इज इक्वल टू -10. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ केस टू. ओके, केस टू में क्या कंडीशन है? 10 years later. ओके, वॉट दे आर सेइंग, नूरी विल बी 3 twice एज ओल्ड एज सोनू, सो 2 times ऑफ सोनू. ओके, नूरी का अगर आज का एज एक्स ईयर्स है, तो 10 साल बाद का एज क्या होगा? एक्स प्लस 10. सोनू का अगर आज का एज अगर वाई है, तो 10 साल बाद इट विल बिकम वाई प्लस 10. ओके, सो यही वैल्यू आपको प्लेस करना है. दिस इज नूरी एंड दिस इज सोनू, सो एक्स प्लस 10 विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई प्लस 10. ओके, सो सॉल्विंग दिस, एक्स प्लस 10 विच इज इक्वल टू 2y+20. ओके, सो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स माइनस 2y विच इज इक्वल टू 10. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, अभी आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल गया है, अभी आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको x या y वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है. ओके, नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 1 है. सो कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए x माइनस 3y विच इज इक्वल टू -10, और x माइनस 2y विच इज इक्वल टू +10. नाउ हियर द साइंस आर सेम. ओके, यहाँ पे भी साइन सेम है. देखो यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे भी प्लस एक्स है. सो व्हेन साइंस आर सेम, वी विल परफॉर्म सब्स्ट्रैक्शन ऑपरेशन. सो प्लस एक्स माइनस एक्स गेट्स कैंसल्ड. नाउ दिस इज माइनस 3y एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस 2y, सो इट विल बिकम माइनस वाई विच इज इक्वल टू -10, एंड दिस इज -10, सो -20. सो वाई इज इक्वल टू 20. सो सोनू का एज कितना आया? 20 years. Now put this value of Sonu in any of the equation. So put y is equal to 20 in equation 1. Okay, equation 1 में अगर मैं रखता हूँ तो क्या आएगा?
x minus 3 into 20, which is equal to minus 10. So x minus 60, which is equal to minus 10. So x is equal to what? 50, क्योंकि ये माइनस 60 RHS में जाने के बाद प्लस 60 हो जाएगा, और माइनस 10 और प्लस 60 इज व्हाट? प्लस 50. सो इन दिस वे यू गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स ऑल्सो. ओके, सो नूरीज एज इज 50 ईयर्स एंड सोनूज एज इज 20 ईयर्स. ओके, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ विल स्विच टू थर्ड क्वेश्चन. नाउ इन थर्ड क्वेश्चन व्हाट दे आर सेइंग, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. ओके, सो हम लोग टू डिजिट नंबर में दो डिजिट होते हैं, एक यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट. सो यूनिट डिजिट को हम लोग एक्स एज्यूम करेंगे और टेंस डिजिट को हम लोग वाई एज्यूम करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका टू डिजिट नंबर है 67, उसमें 7 क्या है आपका यूनिट डिजिट और 6 क्या है टेंस डिजिट. ओके, सो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, 6 × 10 प्लस 7, तब जाके आपका ये नंबर फॉर्म हुआ है 67. सो वी हैव टू यूज दिस कंसेप्ट ओनली. ओके, सो ओरिजिनल नंबर आपका कब फॉर्म होगा, ओरिजिनल नंबर ओके, उसमें आएगा टेंस डिजिट भी और यूनिट्स डिजिट भी. ओरिजिनल नंबर इज व्हाट, 10y. ओके, 10y क्यों, क्योंकि टेंस डिजिट इज वाई, सो मल्टीप्लाइड बाय 10 + x. जैसे कि यहाँ पे 6 × 10 + 7 किया है, तब जाके आपका ओरिजिनल नंबर फॉर्म हुआ है 67. सो सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ से यूज किया है. ओके, सो 10y प्लस एक्स. सो रिवर्स्ड नंबर क्या होगा आपका, रिवर्स्ड नंबर क्या होगा, जस्ट आपको डिजिट इंटरचेंज करना है. अभी यहां पे रिवर्स्ड नंबर क्या होगा, 76. ओके, तो जो 7 यूनिट डिजिट पे था अभी वो टेंस डिजिट पे आ गया, और जो 6 टेंस डिजिट पे था वो यूनिट्स डिजिट पे आ गया. ओके, सो वैसे ही यहां पे क्या होगा, 10x + y. ओके, जो डिजिट यूनिट्स प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा, और जो डिजिट टेंस प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा. ओके, दिस इज योर ओरिजिनल नंबर एंड दिस इज योर रिवर्स्ड नंबर. ओनली दिस मच कंसेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस प्रॉब्लम. ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, दिस प्रॉब्लम इज क्वाइट इजी. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. सो केस वन में सम ऑफ द डिजिट दिया है उन लोगों ने. सो सम ऑफ द डिजिट मीन्स x + y. ओके, दो डिजिट कौन से हमारे, x और y, उनका सम कितना है, 9. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, और केस टू में उन्होंने क्या मेंशन किया है, ऑल्सो 9 times दिस नंबर. दिस नंबर यानी ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग, 9 times ऑफ ओरिजिनल नंबर विच इज इक्वल टू 2 times ऑफ रिवर्स्ड नंबर. ओके, सो 9 times ऑफ ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, 10y + x. 10y + x विच इज इक्वल टू 2 times ऑफ रिवर्स्ड नंबर क्या है हमारा, 10x + y. ओके, सो दिस विल बिकम 90y + 9x विच इज इक्वल टू 20x + 2y. ओके, सो इसको हम लोग अरेंज करेंगे अभी, 9x - 20x + 90y - 2y विच इज इक्वल टू 0. सो दिस विल बिकम -11x + 88y विच इज इक्वल टू 0. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, इन दिस वे यू गॉट बोथ द इक्वेशन. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, तो अभी हम लोगों को बस सॉल्व करना है. सो सॉल्व करने के लिए x + y विच इज इक्वल टू 9 और -11x
प्लस 88y विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते एलिमिनेशन मेथड से, पहले हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 11। ओके, क्योंकि हमको कोएफिशिएंट सेम करना है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे और यहाँ पे सेम करना है, सो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे। अगर जब मैं मल्टीप्लाई बाय 11 करूँगा तो 11x, तो यहाँ पे भी आएगा 11y, और 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आएगा 99। ओके, नाउ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x आर सेम, और साइन डिफरेंट है। देखो यहाँ पे साइन प्लस है और यहाँ पे माइनस है, सो इन दिस केस यू विल परफॉर्म द एडिशन ऑपरेशन जब साइन डिफरेंट होता है। ओके, दिस प्लस 11x माइनस 11x गेट्स कैंसल्ड एंड दिस विल बिकम 11y प्लस 88y 99y विच इज इक्वल टू 99, सो y इज इक्वल टू 1। दिस वे यू गॉट द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू 1। अभी पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, यह है आपका इक्वेशन 1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सो x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9, सो व्हाट वी कैन से x इज इक्वल टू 8, 9 माइनस 1 इज 8। इन दिस वे यू गॉट द यूनिट डिजिट ऑल्सो एंड टेंस डिजिट ऑल्सो। अभी हम लोग नंबर फॉर्म करके देखेंगे, ये वैल्यूज हम x और y की यहाँ पे प्लेस करके देखेंगे। ओके, सो 10 इंटू y का वैल्यू है 1 प्लस x का वैल्यू है 8। ओके, सो इट विल बिकम 10 प्लस 8 इज 18, दिस इज योर ओरिजिनल नंबर। ओके, और यहाँ पे 10 इंटू एक्स का वैल्यू है 8 प्लस वाई का वैल्यू है 1, सो इट इज 81। देखो कंप्लीटली रिवर्स फॉर्म आ रहा है इसका, 18 का रिवर्स फॉर्म इज 81। ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Okay, this is your question number 4. Now, in question number 4, what they have said, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. Okay, so aapko number of notes find karna hai. 50 के कितने नोट्स हैं और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं। ओके, सो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 विच इज़ इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 विच इज़ इक्वल टू वाई, हम लोगों ने दो वेरिएबल एज्यूम कर लिए हैं। ओके, so in first condition what they have said, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000, तो आपका total amount है, total amount कैसे form होगा, उसमें rupees 50 के कुछ notes रहेंगे plus rupees 100 के कुछ note रहेंगे। okay, so rupees 50 के x note है और rupees 100 के y notes है, और आपका अमाउंट है 2000, सो दिस विल बिकम 50x प्लस 100y, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अगर मैं 50 से डिवाइड करूं तो 50 4 जा इज 200, सो 1040 विच इज इक्वल टू x प्लस 2y। नाउ एज्यूम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1। ओके, सिमिलरली सेकेंड केस में क्या गिवन है, शी आस्क द कैशियर टू गिव रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली एंड मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, सो टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू रुपीज 50 के नोट्स प्लस रुपीज 100 के नोट्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ नोट्स आर व्हाट 25, और रुपीज 50 के कितने नंबर ऑफ नोट्स है x,
सो एक्स प्लस वाई, रुपीज 100 के वाई नंबर ऑफ नोट्स हैं, सो एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 25, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. इन दिस वे यू गॉट बोथ द इक्वेशन. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस बोथ द इक्वेशन बाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. ओके, सो यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन बाय सॉल्विंग इट बाय एलिमिनेशन मेथड. ओके, फर्दर आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. Now, in question number 5, a lending library has a fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Okay, पहले 3 दिनों के लिए fixed charge है उनका, और additional अगर आप 3 दिनों के बाद books use करते हो तो उसके लिए आपको additional charge pay करना पड़ेगा. Okay, so total charge which is equal to fixed charge plus charge per day. Additional number of days अगर आप use करते हो तो charge per day आपको कुछ तो भी amount pay करना पड़ेगा. Okay, now Sarita is your first case. Okay, Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days. Okay, Sarita total charge कितना pay करती है? 27. Okay, अभी उसमें fixed charge हम लोग X assume करेंगे. Okay, और charge per day Y है, no doubt. ओके, और उसने कितना 7 डेज के लिए बुक्स अपने पास रखा था. सो 7 डेज में से 3 डेज के लिए आपको फिक्स चार्ज देना पड़ता है. सो 7 माइनस 3 इज व्हाट, 4. सो 4 डेज के लिए उसने एडिशनल चार्ज पे किया है. ओके, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, सेकंड इज ऑफ सूजी. ओके, सूजी पेड रुपीज 21. ओके, उसने टोटल चार्ज कितना पे किया है? रुपीज 21. ओके, उसमें फिक्स्ड चार्जेस एक्स. ओके, और उसने बुक्स रखा था अपने पास 5 डेज के लिए. ओके, सो 3 दिनों के लिए आपको फिक्स्ड चार्ज देना है, ऊपर के 2 दिनों के लिए आपको चार्ज पर डे देना है. ओके, चार्ज पर डे इज वाई, और 2 दिनों के लिए इसलिए 2y. सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. इन दिस वे यू गॉट बोथ द इक्वेशंस. Now you have to solve this both the equations by using elimination method. Okay, find the values of x and y, and you will get the values for fixed charge and charge for each extra day. Okay, y is what? Charge for each extra day, and x is what? Fixed charge. Okay, in this way we have completed exercise 3.4. Now in next video we will start cross multiplication method and exercise 3.5. Okay, if you are finding any doubt or if you want any solution, so you can click on the link in the description and download the PDF of complete solution of all the exercises. Okay, or also you can join the Telegram channel to get the detailed solution in the form of PDF. Okay, thank you. We will meet tomorrow.